गंभीर सागर समान नहीं, कोई दिन कर सद्यसी नहीं, अन्नदान सहे कोई दान नहीं, कर्णदानी ने प्रतिदिन सलामन कनक द्वार पर दीन दुखियों को दान किया, स्वर्ण दान से अन्नदान बड़ा कर्णदानी नहीं पहचान किया। बतिया से मिले जुले बात हो कि हरिश्चंद्र जैसे दानी, शिव जैसे दानी, मुरध्वज जैसे दानी का नाम सुने, जगदेव जैसे दानी का गाना सुन ले बाबलो ने, तो नहीं देखा कर्ण के विषय में भी आप सुन ले, लेकिन ये गाना तो पुरान बा, लेकिन कर्ण के जीवन के बड़ी एक नई चीज हो। फिल्म का नाम हो जय और विजय बोल कि बड़े दूर से चलकर आए हैं, तुझे जलवा दिखाना होगा, जाने कोयल हो या कि कौवा हो, तुझे बोली सुनाना होगा। तनी बतिया सुना, एक लाख का चीज कभी लिखले बटन कि जब प्रीत लगाया, जब प्रीत लगाया फूलों से, इंसान के जौने चीज के इच्छा होले तो पहले ओके उगावे के पड़ला, तो ही बतिया कभी लिखले बटन कि जब प्रीत लगाया फूलों से तो बगिया को सजाना होगा, जब तो जब प्रीत लगाया फूलों से, अरे बगिया को सजाना होगा, कुछ खो कर पाया जाता है तो कुछ पा कर गवाना होगा। अभी देखला, कुछ खो कर पाया जाता है, कुछ पा कर गवाना होगा। मुरध्वज अपने बेटवा के खोलन तो पौलन कौन चीज, स्वर्ग पौलन, तो कुछ खो कर पाया जाता है, कुछ पा कर गवाना होगा। तनी बतिया सुना कि जब कर्ण महाभारत में मृत्यु वरण किया है, मरते वक्त कृष्ण अर्जुन को सोना कर्ण दिया है, आप यह महाभारत के अंदर प्रमाण पाते होंगे, कर्ण जब महाभारत में मरने लगा लड़ाई के मैदान में, तो अपने दांत का सोना निकाल कर भगवान कृष्ण और अर्जुन को दान में दिया था, इसलिए कर्ण स्वर्ण दान में मशहूर है। और मर करके जब स्वर्ग लोक में पहुंचा तो वहां की बात क्या, कि दानी कर्ण को स्वर्ग में सम्मान मिला है, रहने के लिए सोने का मकान मिला है, सोने का ही पलंग, सोने का ही बर्तन, सोने की थाली में मिला सोने का ही भोजन, सेवक से बोला कर्ण की जिज्ञासा जगी है, खाऊंगा कैसे सोना मुझे भूख लगी है, सेवक ने कहा भोर में दरबार लगेगा, भगवान से पूछा लेना पता साफ चलेगा। खुटखुट भैया पहुंचने के बाद कर्ण को सब कुछ सोने का मिला, सोने की पलंग पर सोने का बिस्तर, सोने की थाली में सोने का भोजन, सोने गिलास में सोने का पानी। अपने सेवक से कहता है कर्ण की सब कुछ सोने का मिला ठीक हो, लेकिन कनवो सुनवो एक मिलल ये कही। सेवक कहता है यह बात तो भगवान से पूछिए। जब सुबह सुबह दरबार लगता है भगवान का, कर्ण जाकर के पहला प्रश्न किया कि भगवान सब कुछ मुझे सोने का मिला तो सुनवो खैबो करब हम। भगवान कहे कर्ण ये तो करनी का फल है, तो देखे 2 रुपया थोड़े दिन चलल तो बड़ा कचा का चलल, कितने गोरे लोग करे कितनी बढ़िया झूले ने कोई तो खटिया पीछे कोई तरह छा है बात आए, लेकिन नहीं कभी उनका भाव ला कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे, कभी बड़ी से बड़ी बात के छोटी चीज में भर दिलन, यही कवि का कार्य कुशलता हो, कवि कारीगरी हो। जैसे रास्ता चलता आप देखत होबा कोनो सुगर सागर में हर लोग देखे करे तन ताकि दे तू हम मर गई थी, हालांकि तगले से कोई मरी ना कि कह वाला कही दिलन, तो ये वही बात हो। तनी बतिया सुना भगवान बतौलन का बोले है भगवान, अब बोले है भगवान बचनिया असल, जवन दिहला तू पाइला औ कैला स्वर्ण दान दनिया असल, अब सुनवे तू खाइला। अरे कर्ण तूने सोना ही दान किया, इसलिए स्वर्ग में जाने के बाद जब सोना मिलता तो क्या बुरा है, ठीक है। कर्ण कल भगवान तो मेरा आप दोबारा जन्म दे दीजिए, मैं दोबारा मृत्युलोक में जाऊंगा, अन्न दान करके आऊंगा तो स्वर्ग का सुख भोग करूंगा, लेकिन ये मंगन कर्ण कैसे मंगले, तर जो ही बा माता और बहन लोग जाता पिछत कर
की गावा ना कर उलाए हरी अपन विदेशी गई लो छा तो बोला करण फिर से दिया जाना मावा जाके अन्ना दानावा करब भगवान और बनिया के जन्मल बन लालानावा गुजारा तदेशावा में मोहा भगवान के इच्छा अनुसार दोबारा मृत्युलोक में आकर करण जन्म लिया और एक बनिया का लड़का बनकर के जन्म लिया। तो जब बनिया का लड़का बनकर के जन्म लिया प्रेमियों तो करण के सामने सामाजिक बंधन है, शादी विवाह भी करना पड़ा, दुल्हन आ गई। जब दुल्हन आ गई तो बतिया गड़बड़ा गई और जब गड़बड़ा गई बतिया तो एक लड़का भी हो गया। अब वही लड़कवा का नाम करण जो है मोहन रख दिया। अब देखो यहीं से शुरू होता है अन्नदान कैसे। प्रदिन पहले ही तर चल लल आए वे खोला ना हो की भरिया हम भी देशवा जई बना। यह बदल गई कि जो तू राजा जाई बाबी दिशा जाया नया मेरे तो हमारा के काली बहू का जो सुना 83 खत्म होत होत गवैया यही बतिया के एक और नए तर्जमा गावे लगलन। कौन वो कैसे आर पूर्व बजाई बाकी अरे पूर्व बजाई बाकी अरे पश्चिम हो नाना काकी बाबू तो पूर्व बजाई बाकी पश्चिम हो नाना काकी बाबू अरे हमारा के काले आई बाबू नाना काकी बाबू हमारा के काले आई बाबू नाना काकी धीरे करण के सुन दर लाला नवा भैले हो तो नाम मोहन रखी के शुरू अनादा नवा कैले हो। वही मोहना नाम का लड़का करण और करण की धर्मपत्नी तीनों मिलकर के अन्नदान शुरू कर दिए दोबारा मृत्यु में आने के बाद। तब देखें तेरी का भाव कि जलाता मन मंदिर में दिया ना हो अरे जलाता मन मंदिर में दिया ना तो सोने और सोने का दानी फिर बनाया निका दाता जलाता मन मंदिर में दिन की है शिक्षा भगवान की इच्छा और लूंगा भक्त की परीक्षा लहराए दिया रा घर भोजन बनाया कोई द्वारे नहीं आया कोई वाह भाई वाह क्या बात है। तो एक दिन की है शिक्षा भगवान की इच्छा और लूंगा भक्त की परीक्षा लहराए दिया रा घर भोजन बनाया कोई साधु नहीं आया तब दिल है दुखाया बिहराए दिया रा बिना साधु को खिलाए कैसे भोजन करूंगा व्रत भंग हो ही जाएगा दुखाए दिया रा तो जब जंगल बीच आए तब कोड़ी संत पाए भोजन है तू फरमाए प्रेम लाए दिया रा दिन करण का अन्नदान यही शुरू होता है कि अपने दरवाजे पर किसी साधु को भोजन खिला करके तो भोजन करता था बिना भोजन खिलाए अन्न पानी ग्रहण नहीं करता था। एक दिन दरवाजे पर कोई साधु अब नहीं कैलन जब काफी देर हो गई तो करण सोच रहा है बिना साधु खिलाकर भोजन कर लेता हूं मेरा पूरा तपस्या जो है मेरा पूरा व्रत जो है मिट्टी में मिल जाएगा इसलिए चलू जंगल से कोई साधु तलाश करके ले आऊं भोजन खिला करके तो भोजन करूंगा। और करण जब साधु के तलाश में जंगल में पहुंचा तो ढूंढते ढूंढते एक गुफा के अंदर साधु पाया लेकिन जिसके प्रत्येक अंग से कोर टपक रहा था जो बिल्कुल वृद्धा साधु था। हाथ जोड़कर कहता है करण
कि आज मेरे दरवाजे पर आपको भोजन करने चलना होगा। साधु कहे, कर्ण जरा मेरे शरीर की तरफ देखो, आंख खोलकर, यह मेरी शरीर कैसी हो चुकी है, मैं तेरे दरवाजे पर जाने लायक हूँ। कर्ण कहा, महाराज जो कुछ भी हो, लेकिन आज आपको चलना होगा, मेरे व्रत का सवाल है, भोजन करना होगा मेरे दरवाजे पर। साधु महाराज कहे, कर्ण अगर ढेर हड़बड़ात हवा तो चलब, लेकिन एक बात हो, चलब लेकिन एक बात एक शर्त हो। तो उस शर्त क्या रखते हैं कर्ण के सामने कोई साधु कर्जवा, एक कर्जवा के अपने हम माता और बहन लोग, ये बाबू पचरा के गीत में गावलिन, माता माई का गीत जब पचरा गावलिन उसमें गावलिन कैसे कि भला काली मैया भला मैया मोरे मोरी जवाने हो दिनावा पूला वा महांगा भैले तवने दिनावा भाले अइलू। और यह तर्जवा बिहार में बदल जाले, सोखा लोग पचरा ओझैतिया के समझ शुरू कर दे नवरात्र के पूजवा में कि अरे घुघुर बाजे झाझर बाजे, सुन चुके हो आप लोगन। लेकिन साधु जी शर्त क्या रखे करण के सामने कि हंसकर साधु बाबा बोले अरे सुना शर्त बड़ियार हो पहले तुहारा दुलाही न आवे अब कर सोर हो श्रृंगार हो और खाँची में रूही भर लावे मैं ऊ हम के बैठावे तब अपने घर हमें ले चली है खचिया रख के कपार हो और तुई को कोढ़ी के तन से कुछ ना होई बेकार हो। ये सर स्वीकार है तो सुनत वचन सेवक घर आए कहे महाराज मुझे दो मिनट का समय चाहिए, स्वीकार है लेकिन दो मिनट का समय। तो सुनत वचन सेवक घर आए अपने नारी से फरमाए पतिव्रता वह नार सयानी यौ पतिव्रता वह नार सयानी करसुर हो श्रृंगार हो करसुर हो श्रृंगार हो खाची में साधु को लाई खाची में साधु को लाई खचिया रख के कपार हो। बाबू हाँ भैया श्रृंगार करके खांचे में रूरा करके मैं बिठा करके ले चले सर पर उठा के तो चलब। कर्ण कर्ण ई बात स्वीकार कर लहलन, कर्ण ई बात स्वीकार कर लहलन तो देखना होत का बा। अली उठा करके ले गई ने लीप पोत के बिछा देली बिछौना और साधु महाराज के बैठा देली। शुद्ध शुद्ध चावल दाल रोटी सब्जी बनाकर जब साधु के सामने रखलिन है तो देखलिन कि साधु महाराज तो इनका पारा गर्म हो गल बा, तो गुसिया गईलन चावल दाल रोटी सब्जी देखते गुसिया गईलन डार गगन करण। अरे करण ये क्या बकवास करने के दरवाजे पर ले आए हो, यही भोजन खाऊंगा? कल महाराज शुद्ध शुद्ध खाना है चावल दाल रोटी सब्जी तो बा, कल चावल दाल रोटी सब्जी हमारा खाना नहीं है। अगर मुझे लाए हो तो मेरा प्रतिदिन का खाना है मांस, कहीं से मांस ला करके दोगे तब खाऊंगा वरना रूठ कर चला जाऊंगा। जब कोढ़ी साधु कई बतिया सुनलन है कर्ण तो इनकी अखिया से झरझर आंसू चले लगल हो, जो कि अपने आंख से मांस कभी देखे वाला नहीं। लेकिन एक साधु के लिए बाजार से कर्ण जो है बकरे की मांस खरीदने के लिए गए और रोते हुए जा रहे जरा उसमें का भाव देखा करुण रश्मि बड़ी मास्टर आए कि जो ना देखा मांस भरे जो ना देखला माँ तुम्हारी नया नवा भक्त प्रेमी हो तो चले खरीदे साधु की करा नवा भक्त प्रेमी हो लाए जब बकरे की मांस साधु बोले गोसियाई हो। जब बकरा का मांस खरीद करके लेलन है साधु के सामने रखलन तो जितना साधु जी का गुस्सा पहले बार भैले उसे दूना गुस्सा चढ़ गई। कहलन बकरा सकरा का मांस खाई? कर्ण कहल महाराज कौन चीज का मांस खाई बा? डांट कर साधु महाराज कहते हैं कर्ण अरे सुन लो कान खोल करके, अगर मुझे खिलाना है तो मैं बकरे की मांस नहीं खाऊंगा, खाऊंगा किस चीज की मांस?
कि लाए जब बकरे की मांस साधु बोले गोसियाई हूं कि खाऊंगा मानो की मांस तोहरी बेटावा का भाई हूं। अरे काटा अपने बेटावा का गर्दनवा भक्त प्रेमी हूं। अब खरी में कूटा साथी जननवा भक्त प्रेमी हूं। तोहार छोटका लड़का एक मात खाब ओखरी में कूट कर भोजन काट काट करके बना कर देवा तब खाब, लेकिन एक शर्त और हो कि जब अपने बेटवा के कूटे लगवा ओखरिया में दोनों परानी तो मंगल गीत गा कर कूटो या सुन गिरने पाए वरना मैं खाऊंगा नहीं तू झूठे मुझे बुलाए। अगर एक बूंद आंसू गिर जाई तब वो भोजन नहीं कर। करण तो प्रेमी जितना बड़ा दानी था उतना ही बड़ा बहादुर भी था। कर्ण तैयार हो गया लेकिन अपने धर्म पत्नी को बुलाकर कहता है कि रे प्रिय पत्नी तुम्हारा विचार क्या है? कहा मेरा विचार भी वही है जो आपका विचार है, लेकिन तेरी लड़कियों से पूछा। अरे मोहना लड़का वहां बुलाया जाता है। कर्ण कहता है बेटा, अरे बेटा आज तुम्हें साधु के सेवा में काट कर लगावे के बाद। लड़का कहता है बाबूजी शरीर माटी का माटी में मिल जाई, जो संसार के अंदर आ गया एक में एक दिन उसे जाना है। अगर मुझे काट कर साधु के सेवा में लगा देंगे बाबूजी तो मेरा जीवन धन हो जाएगा, मैं तैयार हूं बाबूजी देर मत कीजिए। अगर लड़का हो प्रेमियों तैसन लड़का, लड़का तो तैयार हो गया लेकिन मतारी का दिल जो है बड़ा नरम होला। कवि जी यहां लिखे है क्या? हाय अरे केतनो कपूत हो लालनवा होई गई है, मयूर बाबू नहीं सक बिसराया तो बाबू का जियारा कठोर भले होला। अरे माई का जियारा होला बा माता का धार हो सूरतिया माता कहोई गई। अरे कैसे अपने हीरावा के मारा बकटार हो तो जौने बेटावा के लेके गोदी में खेलावाली दूधावा पियोली कैली प्यार बार बार हो जौने बेटावा का सीरा हाथ से सवारली कैसे वही सर पर मारा मुसारा का मार हो। तब तक लड़कवा पहुंच गेल कहे मां रोवा मत। बोला मोहर लाल माता का राजा न देरिया, अरे तारी देवू पर असमा माता वो हारा अभी रथा जनमावा होई मर दुनिया में। आकर जो साधु रूठ जई है आई के दुआरा, आकर जो साधु रूठ जई है आई के दुआरा। तोरे बेटवा के जीवन निरर्थक हो जाई, बाबूजी के व्रत बेकार हो जाई तो जल्दी हमें काट कर साधु के सेवा में लगा जाए। ई बतिया सुन करके दोनों परानी अपने सीना पर पत्थर रख कर बेटवा का गर्दन अलग कैलन हो अलग करके और मंगल गीता गा के लगला वो खारी में कूटे। अरे साधु आगे रख दिए भोजन के तैयार हो तो बोले साधु बाबा नहीं करा बा भोजनिया। जब भोजनवा बना करके साधु महाराज के सामने रखलन तो बोले साधु बाबा नहीं करा बा भोजनिया। महाराज कहले कर्ण मेरी इच्छा तृप्त हो गई, अब ये भोजन नहीं करूंगा, अपने औरत से कह दूं जिसे उठा करके वहां से यहां तक ले आई फिर उस तरह से मुझे पहुंचा भी दें। कर्ण की धर्म पत्नी साधु महाराज को खांची में बैठा कर सर पर रख कर जब पहुंचाने के लिए जंगल तक जाने लगी तो पीछे पीछे दानी कर्ण भी चल दिया। उस समय का भाव है क्या? अरे साधु को कपारे ऊपर धारी पागली कैली बज्जर के ओ कैली बज्जर का करी जवा मतारी पगली भैया। पीछे 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 संत सेवक नारी को धीर बधाई
धरे चतुर्भुज रूप प्रभु जी जब अपने घर आए, चम चम चमके लाली लरवा मतारी पगली। जब उतार करके सर पर से कोड़ी साधु को नीचे रखना चाहती हैं, भगवान अपना कोड़ी का वेश छोड़कर चतुर्भुज रूप पकड़ करके कर्ण के सामने खड़े हो गए। कर्ण जाकर भगवान के चरणों पर गिर जाता है। भगवान कहे, रे कर्ण, ये तो तेरी परीक्षा हो रही थी, अपने परीक्षा में सफल निकला, मुझसे कुछ वरदान मांग लो। तो प्रभु जी बोले, बर मांगो तब कहां करे मुस्काई, और किसी की ऐसी परीक्षा मत लेना सुखदाई, वरना हो जाई कसूरवा मतारी पगली। भगवान अपने भक्त कब कभी इतना प्रेम परीक्षा मत लिया, नहीं तो कोई भक्त आपको पथ से विचलित भी हो सकत हो। अब दूसरी बात की, आप खतरा भी बात, त्रेता और द्वापर रहल, जैसे आप कह देते दरवाजे पर जा करके कि अपन लड़कवा जा काट के हम खाई, लोग दे देते रहन। आई कलयुग हो, ये जमाना में कोई के दरवाजे पर जीवा कहवा कि अपन लड़कवा दा, तो लोग आप कट लेके तैयारी करे लगे। तो प्रभु जी बोले, कहें ठीक है, लेकिन किए क्या, कि मंगा की वार तीनों प्राणी को स्वर्ग लोक पठवाए, स्वर्ग में जाकर वही कर, अरे सोने की महल को पाए तो कई लयन कय हरवा मचाए। ये गुरु बिहारी गुरु गणेश के धन कर्ण का दान, कथन करते कभी चंद्रिका बच्चन जी बने महान, जलाता मन मल दिया दिया ना, यादो राम जो संसार बड़ा ही गाता, जलाता मन मल दिया दिया ना।